सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतु शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में किसानों का महासंग्राम। राहुल गांधी ने कहा, नए कृषि कानून बनाएंगे हमारे किसानों को गुलाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में नहीं थम रहा बवाल। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव। सीएम गहलोत प्रतिनिधिमंडल से करेंगे वार्ता। और अच्छी बारिश होने से सब्जियों के दामों में गिरावट, आम आदमी को मिली राहत। कृषि विधेयक के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कई किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि यह विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे और एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। इसके बावजूद किसान संगठनों का कहना है कि यह विधेयक कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है। इसी के चलते देश भर में बंद बुलाया गया है। विरोध की वजह से पंजाब, हरियाणा और बिहार में सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया। नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। मैं इस भारत बंद का समर्थन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की यह जयंती और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हाल के दिनों में सरकार ने जो सुधारवादी फैसले लिए हैं उनमें उनके द्वारा दिखाए गए दर्शन की छाप थी। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। जम्मू कश्मीर में कश्मीर जोन पुलिस ने लश्करे तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया है। उनके पास भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसी मुठभेड़ में आज सुबह बिजबिहारा के सरहामा गाँव में दो आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकियों में से एक उच्च स्तरीय कमांडर है जो पिछले 3 साल से सक्रिय था। बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने जांच तेज कर दी है। एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ड्रग्स कनेक्शन के सिलसिले में रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एनसीबी ने दीपिका पादुकोण और कौन टैलेंट एजेंसी के मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हाल ही में दीपिका और करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स चैट सामने आई थी। इसमें करिश्मा दीपिका को हैश देने की बात कर रही थी। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश एनसीबी के एसआईटी कार्यालय पहुंची हैं। उन्हें ड्रग्स मामले की जांच में शामिल होने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन देकर बुलाया है। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर उपद्रव और अधिक उग्र हो गया। उपद्रवियों ने पथराव किया और पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल पूरा मामला अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रिक्त रही सामान्य वर्ग की 1167 सीटों पर 36% उत्तीर्णांक वाले जनजाति अभ्यर्थियों को नियुक्ति की मांग को लेकर है। इसको लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों के साथ दमनकारी नीति अपनाएगी तो वो सड़क पर उतर आएंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की है। सब्जियों के दामों में गिरावट आने से आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। अच्छी बारिश होने की वजह से स्थानीय सब्जियों की आवक बढ़ी है और इसमें सब्जियों के दामों में कमी आई है। जो धनिया पहले 150 से 180 रुपए किलो बिक रहा था, अब उस धनिए के भाव 40 से 80 रुपए किलो रह गए हैं। बारिश के चलते स्थानीय सब्जियों पर असर पड़ा है। पहले जहां देश भर में बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं अब देश भर में बारिश थम गई है। इसके चलते सब्जियों के दामों में कमी हो रही है। धीरे धीरे सब्जियों के दामों में कमी आने से आम लोगों को इससे राहत मिली है। इस बात की जानकारी फल सब्जी मंडी अध्यक्ष राहुल तंवर ने दी। पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार में रौनक लौटी और हरे निशान पर बंद हुआ।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 358.91 अंक यानी 0.98% ऊपर 36,912 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.79% यानी 85.20 अंकों की बढ़त के साथ 10,890 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज M&M, पावर ग्रिड, रिलायंस, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं ONGC, NTPC, HDFC लाइफ और SBI लाइफ के शेयर लाल निशान पर खुले। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ करारी हार के बाद कप्तान विराट कोहली की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। विराट कोहली पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा है। विराट की टीम ने निर्धारित समय में 20 ओवर पूरे नहीं किए, इसके चलते पंजाब की पारी काफी देर से खत्म हुई। IPL के नियमों के मुताबिक समय पर ओवर पूरे न होने के चलते कप्तान पर जुर्माना लगाया जाता है। IPL के मौजूदा सीजन में पहली बार किसी कप्तान पर स्लो ओवर रेट के लिए ये सजा दी गई है। बता दें कि लगातार गलती दोहराने पर मैच से कप्तान को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा मुकाबला होगा, जिसके सामने आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। माही बल्लेबाजी क्रम में अपना स्थान बदलने पर विचार करना चाहेंगे। शारजाह की बल्लेबाजी के मुफीद पिच पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के लिए उनके स्पिनरों के खराब प्रदर्शन और निराशाजनक 20वें ओवर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन बल्लेबाज खुद को पूरी तरह से इसे दोष मुक्त नहीं कर सकते, विशेषकर मुरली विजय, केदार जाधव और खुद कप्तान धोनी। राजस्थान के खिलाफ धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने सैम करन, जाधव और ऋतुराज गायकवाड़ को खुद से पहले बल्लेबाजी में भेजा था, लेकिन यह रणनीति उनके लिए बुरी तरह से विफल रही, जिससे फॉफ डू प्लेसिस पर कम समय में काफी ज्यादा रन बनाने का दबाव बढ़ गया। धोनी के प्रशंसक उनके छक्के जड़ने की काबिलियत के अब भी मुरीद हैं, लेकिन करीब से देखा जाए तो वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेजी से नहीं खेल पाए और जब मध्यम गति के गेंदबाज टॉम करन गेंदबाजी करने उतरे तो धोनी आक्रामक हो सके, और वह भी मैच में तब हुआ जब मुकाबला ही खत्म हो चुका था। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।